अग्निवीरों के पहले लॉट से 2026-27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जाएगा। यह संख्या उन 25% अग्निवीरों से अलग है जिन्हें सेना में समायोजित करना है, यानी सेना में समायोजित होने से बचे हुए 75% जवान केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समायोजित होंगे। शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जताई थी। अग्निवीरों के पहले लॉट का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25,000 सेना में नियमित हो जाएंगे, बाकी 75,000 अग्निवीरों में 42% यानी 31,500 विभिन्न मंत्रालयों में नियमित सेवा में समायोजित होंगे। इनमें अर्धसैनिक बलों के अलावा अन्य सरकारी मंत्रालयों में समायोजित किए जाएंगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, रिटायरमेंट के बाद समायोजन 100% तक ले जाने का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत 42% से होगी।